आप हमारे गणेश जी को देख लो, ये मंदिर में तो रहते हैं लेकिन ये तांबे के होने के बावजूद भी गंदे हो जाते हैं। आपको धूल मिट्टी यहाँ से दिख रही होगी, मैं ऐसे हाथ लगा के दिखाऊँ। तो अभी हम इनको रेडी करते हैं। 1 2 3 में से कुछ ज़्यादा लोग बोलेंगे कि मैंने ऐसे पानी से साफ़ क्यों करा। देखिए एक्चुअली बात ये है कि अगले साल मैंने करीबन 2 साल पहले मैंने इसके अंदर ये पेंट करा था जो आपको दिख रहा है, क्योंकि पिछले साल तो लॉकडाउन और ये सब था तो उस टाइम में कुछ कर नहीं पाया, जैसा था वैसा ही रखा। तो पिछली बार मैंने पेंट करा था, जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर ये सब रफ था, ये सब ऐसा था, ये मैंने पेंट करा। ये पगड़ी आपको दिख रही होगी, ये हमने लगाई है, तो इसको भी चेंज करेंगे। चलिए आपको दिखाते हैं। हमने गाइस यह कलर की पगड़ी हमने तैयार करी है, क्योंकि एक कलर है बड़ा इंटरेस्टिंग, आपको दिख रहा होगा यहाँ से, ये कॉम्बिनेशन की तरह बढ़िया लग रहा था। अब इसकी पगड़ी बनाते हैं, फिर इनको धारण करते हैं। देखो अभी हमारी पगड़ी रेडी हो चुकी है, अभी आपको अटपटी सी लगेगी लेकिन अभी मैं शॉप पर हूँ तो अभी तो मैंने ऐसी ही बनाई है। अभी सजावट का काम करते हैं, तो आप जारी रहिए इस वीडियो को पूरी देखिएगा। तो यहाँ पर हमने ले लिया कुछ कलर्स, ये आपको दिख रहे हैं कि ऐसे जैसे कि अभी यहाँ पर हो चुका है हमारा श्रृंगार कंप्लीट, और आपको कैसे लग रहे श्रृंगार आप कमेंट करके बताना। इसके अंदर मैंने ज़्यादा श्रृंगार करने की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि मैंने बार बार का एक जैसे माला हो गई, हेयर बैंड हो गया, ये सब हो गया, कलंगी हो गई, बिंदिया हो गई, ये सब लगाया था और कुछ नहीं था। बाकी तो
आपके सामने पेंट पहले से था, मैंने उसको हाईलाइट कर दिया है, तो आपके ऊपर ये कमेंट करके बताना कैसे लग रहे हैं हमारे गणेश जी, आप सबके गणेश जी। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो नॉर्मल सी वीडियो थी ना कि व्लॉग, तो जम के प्यार देना। बाय, कितने सोने लग रहे हैं रे।